यह हफ्ते में दलहन का हाल कैसा रहेगा? पूरी समीक्षा आज 26 मार्च 2023। चना, बांग्लादेश के लिए चना की मांग अच्छी है, जैसा बांग्लादेश और बाकी मुस्लिम कंट्री के लिए भी अच्छी है, क्योंकि रमजान महीना चल रहा है। इसी के चलते गावरानी चने में भी 100 से 150 रुपये की तेजी रहेगी। काबुली चना में कंटेनर की बढ़ोतरी की वजह से 400-500 की तेजी आएगी। और वीटू, जो पिकी वीटू बोलते हैं, उसमें भी एक 200-300 रुपये की तेजी यहाँ हफ्ते में नजर आ रही है। तुअर की अगर बात करते हैं तो तुअर नीचे के लेवल तो नहीं है, लेकिन यहाँ हफ्ते में वापस से गावरानी माल नागपुर के लिए 9,000 रुपये एक बार बिकेगा, नीचे में 87 रुपये बिकेगा। यही दरमियान खेलते रहेगा, यह हफ्ते की बात कर रहा हूँ, बाकी मंदी नहीं है। मसूर की बात करते हैं तो आयातित माल का प्रेशर रहने की वजह से मसूर में अभी फिलहाल यह हफ्ते में ज़्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है। बाजार लगभग स्थिर रहेगा, 100 रुपये के दायरे में ही समझो, ऊपर नीचे खेलते रहेगा। मूंग उड़द की बात करते हैं तो मूंग उड़द में अच्छी लेवाली आ चुकी है, तो इसी के चलते मूंग उड़द में भी तेजी जारी रहेंगी। ये हो गई हफ्ते भर की पूरी रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।